हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लाइफ अखबार में। और बात करेंगे हमारा आज सभी ताज़ा खबरों के बारे में। हाँ दोस्तों, मणिपुर के उखरुल में आज सुबह 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। वार्ज P-305 को ढूंढा गया। INS मकर ने एडवांस साइंस स्कैन सोनर के जरिए ढूंढा। बाकी बचे हुए क्रू और टग बोट टोगवरपदा की तलाश जारी। डिफेंस PRO बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया। CM नीतीश कुमार ने किया ऐलान। UP सरकार ने 31 मई तक बढ़ाया आंशिक कोरोना कर्फ्यू। आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी। दिल्ली अरविंद केजरीवाल केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर अनस के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का मुआवजा सौंपा। परिजन बोले, लोगों को सेवा करते हुए बेटे ने गवाई जान। उम्मीद करता हूँ कि बाकी बच्चे भी देश की सेवा करेंगे। हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान एयास के मद्देनज़र केंद्र सरकार की पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। PM मोदी आज 11 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में PM मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में PM मंत्री चक्रवाती तूफान यास के खिलाफ तैयारियां की जा रही हैं, उसका जायजा लेंगे। भारत मौसम विभाग IMD ने शनिवार को कहा कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के तटों पर को पार करने की आशंका है। PM मोदी के साथ इस बैठक में टेलीकॉम, बिजली, नागरिक उड्डयन, भू विज्ञान मंत्रालय के विशेष भी के सचिव भी शामिल होंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटे के दौरान नारनौल, बावल, फतेहाबाद, हरियाणा, कठपुतली, खैरतल, राजगढ़, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश तीव्रता से होने की आशंका जताई गई। मणिपुर में उखरुल में आज सुबह 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाँ दोस्तों, असम में कोरोना के 5,980 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और 79 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 5,458 है। कुल केस 3,65,620। 2 दिन पहले चक्रवात ताऊते की चपेट में आकर डूबे जहाज़